भगवत प्रेम और उद्धार के गीत हे कृष्ण जो दिनों तू आप जन्म के ब्रज ले गई थी ये ब्रज र जय जय कार किभवन रे हुए थे और लक्ष्मी इंदिरा वैकुंठ महारानी लक्ष्मी ये वृंदावन झांसी की दासी ही गल त्रयत इंदिरा लक्ष्मी सेवा कर हे प्रभु दरमा दे के चाकर रखी देवी तार खाइबा पीवा रे व्यवस्था स्वामी करी दे प्रभु आमे आपण पर अशुल्क दासी का बिना मोल र दासी रवि व्यवस्था कर दे स्वामी प्रभु बिना मोल र दासी मानी तू रात्रि समय तुम एम के छाड़ी के जाई छो हे कृष्ण बार बार विपत्ति आसला आप रक्षा कले बरस मारुता वैद्युता नदा इंद्र वर्षा कला गोवर्धन धारण कले अग्नि रु आप रक्षा कले फणी फणार पितम दे पदार्थ जम कालिया नाग र विष्णु प्रभु रक्षा कले बकासुर अघासुर पूतना नाना असुर रक्षा कले प्रभु यही दिन में रक्षा करी थी कि निज विरह रूपी अग्नि रे ये सखी मान को मारी आप ये विरह अग्नि सही होनी प्रभु ये कृष्ण दर्शन दिव सखी मान रोदन करती यद्ये सुजात चरणाम गुरु हंसनेशु भीतासने प्रिय धीमहि कर्दशेषु तेनाटवी मनसि तद्व्यथनेन किंचि ये श्लोक समस्त गोपी गीत रसा गोपी गीत रास पंचाध्याय रसार रास पंचाध्याय दसम स्कंध रसार दसम स्कंध भागवत रसार और ये श्लोक संपूर्ण भागवत रसार प्रेमी कहा कहा जाए भक्त कहा कहा जाए जे निज सुख देखे नहीं केवल कृष्ण सुख देखे यद्यपि सुजात चरणम हे कृष्ण आपण अत्यंत स्निग्ध सुकुमार कोमल चरणारविंद जो चरण को आमे निजर बक्ष स्थल रखिया पे भय करू कि आमर कठोर कर्कश छाती रे लागे कि आपण कर सुकुमार चरण को कष्ट नहीं जाए और सही चरण को धरी के वृंदावन रो कंटका कुंड बिथी रे खाली पाद रे प्रभु जाऊ छ प्रभु दर्शन न दे अच्छी तो अच्छी किंतु आपण को चरण को केमति पीड़ा होतव से पीड़ा रे कल्पना रे प्रभु हमर प्राण छाड़ी दे भगवान द्विपह समझ जान के सखी घर को सर लवणे चोरे और सभी सखी जरी देखी दिए से घोर द्विपहर फरारे टाण फरारे खाली पात्र दौड़ती सखी रो प्राण बाहरी जाए माधव माधव अहो तपित घुमऊ माधव माधव प्रभु ये भूमि केमती तातुची ये सब माखन मिश्री सब तो आपण कर खाली पादरे माधव 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 ये गोपी भाव यथा तथा वा विदधा दुलम पटो मत प्राण नाथ नये से चाहे दर्शन दो चाहे विरह न मान दो मोर प्राण हम रुद्र श्री कृष्ण ताकु छाड़ी की आउ गति नाही भगवान प्रसन्न हेले भगवान कुआडे जाई नथिले पीतांबर घोड़े हिंदी से सखी मानकर देखने जाई थी गोपी गीत ही सुनते गोपी मानकर भाव प्रसन्न हेले अब भगवान पीतांबर को परिवर्तन करी किसी गोप्य प्रगाय प्रलपन चित्र धार गुरुदूत स्वरम दायम कृष्ण दर्शन लाल सा तासा मादिरम छोरि स्वयमान खंभज पीतांबर दर्शन साक्षात साक्षात मदन मोहन रूप धारण करी की रास बिहारी से गोपी मानकर मृत प्राण जिनकी पुनः प्राण का संचार ही गला के भगवान पर करारविंद को धरे के पीतांबर को धरे के भगवान पर मुखर अधर चुम्बित तांबूल को आणी की ताप मुखरे दे दे तो भगवान को प्रणय नेत्र कटाक्ष करे के भगवान को देखे अब भगवान सत्य मान कर दे तो महाराज लीला करते ये लीला रो कीर्तन हमें कथा विश्राम रे करे तो श्रवण कर तो महाराज ने लीला श्रवण वाला तो परीक्षित महाराज पचारी ले गुरुदेव भगवान पर जन्म भगवान पर अवतार धर्म रक्षा पंडित जी
अब भगवान रात्रि समय प्रथम परदारा दर्शन परदारा मान को लेके लीला करे। अब भगवान कर एक लीला को देखी कली युग कौन अनुसरण करेंगे। परीक्षित जी महाराज के प्रश्न को सुनेगी सुखदेव महाराज कहते सुन परीक्षित श्री कृष्ण पर लीला अनुकरणीय नुहे विनश्येत आचरित मुठ्या यथा रुद्रो द्विजत विषम जेमती भगवान शंकर विष पी दे किसी हेला नहीं और यदि आम 5 ग्राम विष खाई के देखी बात ठीक सेमती श्री कृष्ण पर कौन सी लीला अनुकरणीय नुहे भगवान पर वचन अनुकरणे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ये करो। किंतु भगवान राम पर प्रत्येक लीला अनुकरणीय प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा ये सब अनुकरणीय। किंतु महाराज भगवान का नाम पर भी सब लीला अनुकरण है। भगवान का स्पर्श रे पत्थर अहल्या ही नला पर की देखाओ हिंदी पत्थर भगवान का नाम रे पत्थर भातिला। और यदि सूक्ष्मता रे विचार करा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की केशव की लीला अनुकरणीय तो लीला आप स्कूल देखा था मेरे पढ़ू पिला वेले सब समान किंतु जितने 40-45 वर्ष सही जाए सही विद्यार्थी मन को भित्र के करोड़पति ही जाए तो की बिचरा दरिद्र रही की रही जाए। यदि करोड़पति ही सरला परे निजर समाज भित्रे से पिला दिन दरिद्री मित्र आसी जाए तो निश्चित भाव रे संकोच हव कि मान को मजिरे केमती को स्वीकार करके मोर मित्र बनी के। किंतु भगवान द्वारिका भीष लक्ष्मीपति द्वारिका सब सभासद विराजमान थे अक्रूर सात्यकी विराजमान थे 16,000 रानी विराजमान थे अब बाल्य सखा विप्र सुदामा हसी के पहुंचे और से दरिद्र सुदामा को निज सिंहासन रे देके बसेले चरण धोई के चरणामृत पी ले आलिंगन कले ये श्री कृष्ण कर महिमा बड़ो रु बड़ है कि भी छोटो रु छोट को जे छाती रु लगाए स्वीकार करे से श्री कृष्ण ही पाले। बोल बाल कृष्ण लाल की भगवान महाराज लीला कर सकती पर केसी घाट के केसी नाम के दैत्य रो संघार भगवान कर सकती। एकदा भगवान वृंदावन के गोचारण करते श्री देवर्षि नारद आते की पहुंचे एवं देवर्षि नारद भगवान को कहले प्रभु खूब बंसी बजेले एवं जगत उद्धार करिया पाई ए वृंदावन छाड़िया पाई पड़ी आपण पर माता पिता देवकी वसुदेव कंस कारागार में अच्छा प्रभु मथुरा विजय परिवार व्यवस्था कर अब कंस पाठ भी जाए कि कंस को कही देने कंस देवकी अष्टम संतान कौन सी खबर मिलला कंस कहला हे गुरुदेव नारद जी महाराज करी महिमा एमती देवता माने भी कहती गुरु जी असुर माने भी कहती गुरु जी अनेक असुर पठेली किंतु कौन सी संधान पाई नहीं। देवर से नारद महाराज चुगली कर देने बोलो नारद महाराज की यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेव विद्यता। सुन कंस जो नंद नंदन यशोदा नंदन जे तोर सब असुर मन को मारुची से ही देवकी अष्टम संतान और जहां को रोहिणी नंदन बोले कहा जाए से ही देवकी सप्तम संतान। अच्छा सही देव की अष्टम और सप्तम संतान तो एवे जाऊ असुर मन को लेके मारे भी ना का कंस एमती हो बने तू जाने धनुष उत्सव धनु यात्रा व्यवस्था कर और अक्रूर को पठा क्रूर द्वारा से आसी मेरे से तो अक्रूर द्वारा ही आसी मेरे तो ही नहीं दिया अक्रूर को पठा धनुष उत्सव का आयोजन करेगी कंस अक्रूर को पठे जी अक्रूर जाओ और कृष्ण बलराम को नहीं किया सके अक्रूर
सकालो बादले मथुरा लो अब वृंदावन पहुंचो पहुंचो संध्या है ना किंतु संध्या है ना अक्रूर माल गले राति सारा दिन और सारा भाभी भाभी आसंति कुमार को जनवर पुण्य आज उदय ही गला मो ये नेत्र में कृष्ण बलराम का दर्शन करी भी अब भगवान दर्शन करी के मत प्रणाम करी भी कि कंसर चाकर करी के मो उपेक्षा कर दे भी ना 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 सिर पर निश्चित ही मत स्वीकार करी भी माया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तप को जन्मर पुण्य मोर उदय हला को तपस्या मुकली कि एही नेत्र द्वारा द्रक्षामि नूनम सुखपोलनासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुणालंकृतम सदक्षिणम मे प्रचरन्ति मे मृगा द्रक्षामि नूनम सुकपोलनासिकम से सुंदर कपोल सुंदर नासिका स्मितावलोकारुण कंजलोचनम से सुंदर खंज नेत्र को दर्शन करी तंकर परिक्रमा करी चिंतन करी करी अक्रूर आसंति असंध्या समय पहुंचले गोष्ठले असंध्या समय रे गोदोहन धुनि पूर रही ब्रज सब गोपाल माने गोष्ठ भीतर जाई के गाय गोहन करुतले घर 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 शब्द रे एकदम वृंदावन गुंजायमान होतला अब कृष्ण बलराम गाय गोहन करी थी गाय गोहन कलावे गाय गोहन रस्सी बंधा जाए से दौड़ी को कांधरे धरी की और दुग्ध बाल्टी धरी की कृष्ण बलराम आसुथले श्याम गौर दुई भाई पर दर्शन अक्रूर को है ददर्श कृष्णम राम च ब्रजे अक्रूर साष्टांग प्रणाम कर ले भगवान उठे ही ले इसलिए काका अक्रूर घर को लेके गए नंद बाबा का सहित भेंट है ना चरण धोई ले अक्रूर कर माता यशोदा उत्तम अन्न आने कर अक्रूर को दे ले अपने कन्हैया काका अक्रूर को भीतर को ले जा दूर दूर स्थिति सम दूर ही जाओ भगवान अक्रूर को भीतर को ले गए पलंग कर सोई ले अक्रूर भक्त वत्सल प्रभु अक्रूर कर मस्तक बलराम कर कोड़ रे और अक्रूर कर चरण भगवान कर कोड़ रे और साक्षात श्री कृष्ण अक्रूर कर चरण बसन गोड़ बसन की अब बसारन की काका मथुरा ने सब ठीक तो अच्छंती पापी कंसर अत्याचार में मथुरा वासी बहुत दुख पाउंछंती काका मो माता देवी की ठीक अच्छी काका वसुदेव पिता ठीक अच्छंती आपण चिंता करंतु नि कि कंसर अत्याचार रु मथुरा वासी को शीघ्र ही मुक्ति मिलिबो अक्रूर जानी मिले सर्व अंतर्यामी परमात्मा कहले प्रभु कंस आपण को नवा पाई ही मते पठे छी आपण को मारी मारी वाले छलले नि धन उत्सव करे कि कंस आपण को डके छी किंतु मु नंद यशोदा को ठाकुर केमती मागे कि नहीं के भगवान कहते काका आपने को चिंता कर अनुमति मो नहीं आसे नंद बाबा ब्रजवासी मान को गोष्ठ रे बसले कृष्ण बलराम जय की नंद बाबा को कोड़ रे बसले एवं बाबा को कपोल रे हाथ धरी के भगवान कहते बाबा काका अक्रूर धनु उत्सव रो निमंत्रण ले के आछंती अब आपन अनुमति दियंतु आमे दुई भाई मथुरा जीवु जेमती मथुरा रो नाम सुनि नंद बाबा सीधा मना करले नाही कन्हैया अरे पापी कंस निज भूणी रो पुत्र मान को मारदला से महा अत्याचारी मथुरा जीवार अनुमति दे दे कहले बाबा अनुमति दियो अल्प दिन ही दुई दिन रे जाई के फेरी आसी ठीक समय रे माता यशोदा पहुंचले कहले पिता पुत्र मध्ये रे कोन कथा चली छे तो देख यशोदा
गोरपुत्र माने मथुरा जीवा पाई नष्ट और जेमती मथुरा ना सुनिले माता यशोदा धम्म की मूर्छि देखी पड़ी भगवान माता के मस्तक कोलो ने ले पीतांबर द्वारा विजन कले माता उठिले भगवान के मां तते मोर सौगंध तू मना कर दे मथुरा जीवा पाई लाला कंस महापापी 80 वर्ष का आयु रे भगवान को कृपारू कितने महात्मा को कृपारू कितने यज्ञ करी की जमुना को कृपारू कृष्ण तते पाई छे मथुरा दीवार अनुमति मांगी लाला मथुरा दीवार अनुमति मांगी कृष्ण को न देखी की यशोदा वंशी पारी बनी भगवान ने माता परसो आगे सामने दुई दिन नहीं दी जाएगी फेरी आती कौन न तो फेरी आती भगवान मथुरा जिला पर प्रस्तुत होते सारा वृंदावन रे बंदर अग्नि समान कथा व्याप्त ही गला कि काली भोर हो कृष्ण बलराम मथुरा चली गए और भगवान दात्री रे वृंदावन रे निकुंज रे गमन कले निकुंज को विजय कले और ललिता विशाखा श्री राधा रानी को सहित सब सखी माने असंति श्री राधा एवं कृष्ण को मध्य रे अंतिम मिलन वार्ता होनी ये जो संभाषण ये जो मिलन वाणी द्वारा यार चर्चा परिवार संभव नहीं केतु की चर्चा वाणी द्वारा हुए नहीं मौन ही अनेक वार्ता कहे थे राधा रानी मौन अच्छा श्री कृष्ण मौन अच्छा राधा रानी का चरण को श्री कृष्ण देखती एवं श्री कृष्ण राधा रानी का चरण को देखती प्रियतम ये दासी ठारू को अपराध ही गला दासी को प्रभु छाड़ी के जाऊ पहले राधा रानी आपन तो मोर प्राण मोर लादिन शक्ति राधा को छाड़ी के कृष्ण के भी जाई पारे किंतु हे राधा रानी ये जगत का कार्य पर्यापन जो कार्य पर्यापन अवतार है इसी मत जीवा में तो पड़े आपन सहर्ष अनुमति दियो तू जे परंतु आपन अनुमति दे देनी वो प्रसन्नता रसाई में जाई पड़े देनी राधा रानी कहती प्रियतम हो दासी अपन स्वामी दासी अनुमति दिए नहीं दासी तो स्वामी का सुख ले सुखी हुए प्रभु जदि मथुरा जाए कि अपन को सुख मिलुचि अपन प्रसन्नता रे मथुरा जानतु मु बाधा देवी ने प्यारे
लक्ष्मी साक्षात रुक्मिणी, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी, तो राधा के समस्त प्रचारों के राधा रानी के सहित भगवान का विवाह की देखो ब्रह्म वेवंत पुराण अनुसार भांडीर वनरे ब्रह्मा राधा रानी का प्रत्यक्ष विवाह करे अब ब्रजरे तक प्राय ब्याह विवाह हुए राधा रानी का विवाह सब मंदिर में हुए किंतु विवाह कहाँ सहित हुए दुई जन व्यक्ति मध्य विवाह हुए जड़े निज सहित थोड़े ना विवाह करे जय राधा सही कृष्ण और जय कृष्ण सही राधा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही राधा रूप में प्रकट ही राधा कृष्ण मध्य कौन सी भेद नहीं वृंदावन परितेज पाद एकम न गच्छति भगवान वृंदावन छाड़ी कोटे पाद भी जाए ना ये तो एक स्वरूप रे बाहर को बोले तीनों की वस्तु राधा रानी को भगवान प्रदान कर दे भगवान राधा रानी को ताकर वंशी प्रदान कर दे सखी माने पहचानी कृष्ण हमें सखी सखी माने वंशी खूब मांगु थी किंतु आपण केबे बंसी दौ नथिले किंतु आज सहस बंसी दे देले बोले सखी बंसी तो देवे बाजे जेबे बामा गेले से राधा रानी विराजमान हे जेबे बिना राधा रानी बंसी को करी भी कोन आ वृंदावन बाहर बंसी रो कोनसी प्रयोजन भी नाही बंसी राधा रानी को प्रदान कर देले मोहि मुकुट मोहि पिच्छ श्री राधा रानी को प्रदान कर देले और जो काली कमरी जो कड़ा रंग कंबल भगवान धारण करिए गाय चलते काली कांवरी श्री राधा रानी को प्रदान कर देते और विदा मांगे की राधा रानी सर्वासी रात्रि भगवान विश्राम कर यशोदा लक्ष्मी भगवान मस्तक आड़े बसे की विचार करती आज एक रात्रि यांको दर्शन करीबा बार बार यशोदा को मन में भाव आसुच की के जाने आऊ आपको दर्शन करी पारेगी कि नहीं मेरे जियत जिय भरी देखू हरी हल हर की जोरी कृष्ण तारी ने नित्य कर्म साजो होई वज्र पड़ा सिरे जानी कांदंती जशोराई कृष्ण बलरा मथुरा जीवे मथुरा जीवे यशोदा कांदंती रोहिणी कांदंती अक्रूर रथ सजे के द्वार रखिले नंद बाबा बाबा कृष्ण प्रणाम कले माता यशोदा प्रणाम कले मा तो अधीर हनी मु पर दिन फेरी आसवि परस्त आगश्यामी मथुरा दर्शन करी फेरी आसवि किंतु मार मन बुझे आउ कृष्ण दर्शन हव कि नहीं के जाने भगवान रथारूढ़ हो गले माता यशोदा माखन रोटी धरी की बांधी की दौड़िले अक्रूर के दिन अक्रूर मो पुत्र मन संकोची मार्ग में गला को भोग लगे खोली की ठोई दोगी सखी माने द्वार ने छिड़ा ही जानती रथ आगे गाय माने छिड़ा ही गले सब गोपी माने छिड़ा ही गले अक्रूर तू अक्रूर नहीं तू क्रूर ये रथ को हम छाती ऊपर नहीं की जा प्राण चाली जीव किंतु कृष्ण को मथुरा जीवा पाई दोगी कि सखी कह अरे अक्रूर को दोष दे की लाभ जब विधाता ही बाम ही गला अहो विधाता स्तवन क्वच दया संयोज्य मैत्रिया प्रणेना रे विधाता तो मन भित्रे किंचित भी दया नहीं बिना कृष्ण रे गोपी माने केमति बंचिबे एवं ब्रुवाणां विरहा दुरावृषम ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जा स्वरम गोविंद दामोदर माधवे सखी माने रोदन करते गोविंद दामोदर
रथ चले दादा अक्रूर तीव्र वेग रथ लेके जाओ नले सत्य मन जाई रहे भगवान मार्ग ले सत्य मार्ग अनुमति मांगी ले सत्य माने जीवा पाई के भगवान गोटे प्रश्न कले गोपी माने गोटे प्रश्न उत्तर दिए मत प्रेम कर कि नहीं प्रभु एक प्रश्न पचार प्राण आपण जीवन आपण तो ये वृंदावन जबरदस्ती मत रखी दुखी देखा चाहू ना सहज मथुरा जीवार अनुमति देखी मत सुखी देखा चाहू मौन हो गए सखी मान प्रभु जदि मथुरा जीवार ही आपकी मथुरा जा सखी मान अनुमति दिखती अक्रु रथ लेके जाए रोहिणी यशोदा रोदन करती सखा मान अनेकी देखती पर नंद बाबा एवं सखा मान समस्ते सब बलद गाड़ी रे बसिकी सब मथुरा पाई बाहर ले अक्रूर घाट रे अक्रूर जमुना स्नान करिया पाई बाहर ले रथ रे कृष्ण बलराम छिड़ाई करती जमुना स्नान करी बेल अक्रूर और जेमती जमुना पानी रे बुड़ी ले जमुना भीतर रथ देखिले कृष्ण बलराम को देखिले बोले ये दुई भाई जमुना भीतर कितने आसिले उन्हें पानी के ऊपर उठी देखती रथ रे कृष्ण बलराम अच्छा उन्हें पानी के तरफ पसी देखिले तो शंख चक्र गदा पद्म धारण कर साक्षात नारायण विराजमान अच्छा अक्रूर कर मन भीतर भय गला कि मु कृष्ण बलराम को नौनी मु तो कंस र काल को लेके जावे कंस स्वयं इधर काल को लगे मथुरा के भगवान कर शुभ समय रे आगमन है छे नंद बाबा ब्रजवासी मान आगुर विश्राम घाट रे पहुंची जाई थे अक्रूर भगवान को डाकिले प्रभु मो घर को आस भगवान के कंस को मारी सन्ना पड़े थे नंद बाबा तो आज्ञा दिले बाबा प्रथम बार हम मथुरा आसी छु तो मथुरा दर्शन करिया पाई जीव पहले लाला ने रात्रि हलाने सकाने जीव निर्णय ने बाबा अल्प समय फेरी आसी को आज्ञा दिया नंद बाबा बोले देख लाला उत्पात दुष्ट ये राजा रो गढ़ ये मथुरा ये वृंदावन में दाऊ दादा बोले बाबा चिंता करो तो नहीं मो हाथ भरे की लेके जीवि और बुले के लेके आस नंद बाबा कहले बलराम तो ऊपर तो भरोसा अच्छी या ऊपर एक पैसा रहे भरोसा नहीं देख नुआ जगह हाथ धरे के लेके जीवु अब हेम के लेके आस सब सखा मान को लेके भगवान मथुरा रे विराजमान करती धोबी घाट को गले धोबी को कपड़ा मांगे पिंधिया पाई धोबी कहला अरे गाँव में आसी गौड़ मैंने राजा मान के कपड़ा पिंधे जाओ मुह देख भगवान एमती गोटे तमाचा मारे धोबी प्राण फेरी गला कपड़ा पिंधिले ब्रजवासी मान कि तू मल मांग कपड़ा अब पतला पतला ब्रजवासी रास्ता सफा करी करी जाती तो कन्हैया ये कपड़ा तो बढ़िया कि तो फिटिंग होनी गोपाल नामक दर्जी पर को पहुंची ले दर्जी नाप रे कपड़ा को व्यवस्थित कर दला पहले कन्हैया ये बढ़िया अच्छे किंतु कन्हैया यदि गड़ा रे फूल माला बेटे बोले ही जानता आउ आगे मिला कर सुदामा माली पाक को गले सुदामा नाम रे माली आज भी से माली रे वंशधर माने अछंती राधाकुंड आदि क्षेत्र रे सुदामा माली सब ब्रजवासी मान कृष्ण बलराम को माड़ पिंधेला अब कृष्ण बलराम ब्रज रे गमन करती मथुरा रो सिमंदिनी माने भगवान को देखी कि पुष्प वृष्टि करती कलश रखती है केमती शोभा होती कोड़ा कोड़े वर कन्हाई Oh,